नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है और एक ट्यूटोरियल वीडियो में। और इस बार ना केवल बांसुरी ट्यूटोरियल बल्कि किसी भी साज के, किसी भी गायक के लिए या साज बजाने वाले के लिए क्या प्रैक्टिस करना चाहिए और कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, ये टॉपिक है आज। मैंने बहुत गौर किया है कि बहुत जगह मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि प्रैक्टिस करें तो क्या करें। अब इसमें दो श्रेणी के लोग आते हैं। एक होते हैं जिनके गुरु हैं और गुरु ने बताया है कि आपको ये प्रैक्टिस करना है, और एक उस श्रेणी के लोग होते हैं जिनको गुरु का लाभ नहीं हुआ है और वो ये नहीं जानते कि आगे प्रैक्टिस कैसे करें और ख़ुद को डेवलप कैसे करें। और मैं इसके पहले भी कह चुका हूँ, मैं और फिर से दोहराऊँगा और काफ़ी बार ये कहूँगा कि गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और आपके इलाके में, आपके एरिया में अगर बांसुरी टीचर ना हो तो आप किसी गायक के पास गाने की तालीम ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो बेसिक्स हैं शास्त्रीय संगीत के वो तो हैं ही। रागदारी हुआ, सरगम हुए, जो भी हुआ, आप अगर गायक के पास भी जाते हैं तो आपको उनसे वो सारा मटेरियल मिल सकता है जो आप जिसका रियाज़ कर सकते हैं। लेकिन रियाज़ क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस बात पे बहुत कम कहा गया है और मैं आज उस सब्जेक्ट को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। दो चीज़ें हैं, जिनके गुरु हैं उन्होंने भी अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा है तो आप में कितनी बार, कई बार ये होता है कि आप में हिम्मत नहीं होती, हम में हमारे गुरु से पूछने की हिम्मत नहीं होती कि हमें ये क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि एक तो वो ट्रस्ट की बात होती है कि गुरुजी ने कहा है तो हमें करना चाहिए, और गुरुजी भी उसी ट्रस्ट से कहते हैं कि मैंने कहा है तो तुम्हारे भले के लिए ही कहा है, गुरुजी तो आपको भटकाने के लिए तो नहीं कहेंगे कोई भी गुरु। तो इसमें ये बात रह जाती है कि हमें क्यों करना चाहिए और इस चीज़ को कैसे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए भी एक हद तक गुरु शायद बता देगा, पर क्यों करना चाहिए, इसमें एक बहुत सिंपल सा मुद्दा है। जिनके गुरुओं ने बताया है वो बड़े ही भाग्यशाली हैं। ये मुद्दा ये है कि आपकी कमियों को पूरा करना पड़ेगा। तो इसमें दो चीज़ें एक दूसरे के पूरक होते हैं, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक है एबिलिटी, काबिलियत, और दूसरा है सोच, थॉट। तो अब ये देखिए एक दूसरे के कैसे पूरक बनते हैं। आपके सोच में वही सारी बातें आप सोच पाएंगे। अगर आपको अगर कहा कि मैंने राग यमन में अलाप बजाइए, तो अगर आपको राग यमन का पता है या किसी गाने की धुन को मैंने अगर कहा कि ये मसलन एक गाना बजा दीजिए, तो उस गाने की धुन आपके जहन में तो है ज़रूर, लेकिन आपके अगर हाथ में कुछ बातें नहीं बैठी हों, टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे परफेक्शन है, कोई मुर्की हुई, किसी सुर में ठहराव की बात हुई या क्लैरिटी की बात हुई, अगर वो नहीं हो तो आपके सोच में उसका असर पड़ता होगा। ये आम रोज़मर्रा के टाइम पे बजाते वक्त हमें इस बात का भास नहीं होता है, बहुत कम लोगों को इस बात का भास होता है, और उस सोच में आपके काबिलियत की कमी की वजह से सोच में कमी हो जाती है, और आप जिस तरीके से बजा पाते हो उसी तरीके से आप सोच पाते हो, और आपकी सोच नहीं बढ़ती इसलिए उसके आगे आपका बजाना जाता नहीं है। मैंने बहुत लोगों को ये देखा हुआ है कि वो गाने की धुन तो बजा लेते हैं लेकिन उसमें वो मिठास नहीं आती। वो ये भी कहते हैं कि सर वो परफेक्शन नहीं आ रही है या उसकी मिठास नहीं आ रही है। ये मुझे, मेरे साथ भी कभी कभी होता है कि ये इसमें और कोई गहरी बात है, उसमें डिटेलिंग है, ट्यून में शायद कोई डिटेलिंग होगी या शब्दों के उच्चार में कोई डिटेलिंग होगी या वॉल्यूम कंट्रोल में हो सकता है। वॉल्यूम कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वॉल्यूम कंट्रोल से डायनामिक रेंज बनता है आपके प्लेइंग में और उससे एक्सप्रेशन होता है। अब बहुत ही सिंपल गाना है जिसको बहुत लोगों ने कोशिश की है, लग जा गले, ये सभी ने सुना हुआ है, लता मंगेशकर जी का उनका गाना है, मदन मोहन साहब का म्यूज़िक है। अब दीदी के गाने में आप देखिए उन्होंने वॉल्यूम कंट्रोल कैसे किया, अगर आप सूक्ष्म रूप से उसको सुनेंगे, मैं फिर से वही कहूँगा कि डिटेलिंग की बात होती है, लग जा गले के फिर ये हसीं रात हो ना हो। इसमें वॉल्यूम का ग्राफ देखिए कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो हर नोट में उसकी डायनामिक बन रही है और डायनामिक की वजह से उसका एक एक्सप्रेशन बनता है। अब उस डायनामिक का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, वो होता है कि लग जा गले। अब
वो हीरोइन किसी को गले लगने के लिए कह रही है, अगर आप डायरेक्टली अगर इस चीज़ को लिटरली अगर लें इस गाने के शब्दों को, तो उसके उसका अर्थ यही बन रहा है कि वो किसी को गले लगाने की बात कर रही है, शायद इसके बाद हमें गले मिलने का मौका मिला ना मिले ना मिले। अब इस बात को कैसे कह रही है, उसको ट्यून के हिसाब से कैसे कहा गया है, फिर उस चीज़ को गाते वक्त कैसे व्यक्त किया गया उस भावना को। तो कमिंग बैक टू व्हाट टू प्रैक्टिस, मुद्दे से कुछ ज़्यादा हटके चले गए थे हम, लेकिन ये भी मुद्दा ही है कि आपको पहले तो डिटेलिंग में उस बात को सुनना पड़ेगा। एक बार आपने बात को डिटेलिंग में सुना, और अच्छा इस डिटेलिंग का कोई अंत ही नहीं है, आप जितना ज़्यादा डिटेलिंग में सुनेंगे, अब मैंने लग जा गले कि ये डिटेलिंग बताई, इसमें वॉल्यूम कंट्रोल है, अब इसके ऊपर और एक डिटेल है लग जा गले, अब इसमें व्यंजन है और स्वर हैं, और आ में आकार माने विदाउट एनी डिस्टर्बेंस डायरेक्ट छाती से फूंक निकलती है, लग जा, अब जा में क्या है, ज का ये है, अब इतना ज़्यादा तो हम बांसुरी में कर नहीं सकते, इसमें कुछ कुछ साउंड ये आ सकते हैं कि क ट त थ प फ, इतनी सारी और र, इतने सारे अक्षर व्यंजन जिसको कहते हैं, ये हम प्रयोग में ला सकते हैं बांसुरी बजाते वक्त। तो आप शब्दों को बजाते वक्त आप शब्दों के स्वर और अक्षर को लेकर के, स्वर और व्यंजन को लेकर के, आप उसकी जो बांट है उस बांट को भी एक डिटेलिंग में आप एक तरह से ला सकते हैं। जो गायकी का प्रधान प्रयोग होता है उसमें वही है कि आप शब्दों को प्रकट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि शब्दों को बजाने का, अब ये एक डिटेलिंग हो गया। फिर से मैं मुद्दे से थोड़ा सा ज़्यादा हटके बोल रहा हूँ, मैंने शायद बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, लेकिन आप एक दो बार वापस इसको रिवाइंड करके कनेक्शन में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्यों और क्या कह रहा हूँ। अब हम आते हैं इस वीडियो के असली मुद्दे पे कि क्या और क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए, रियाज किस चीज़ का और क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो रियाज, अगर इंग्लिश का शब्द प्रैक्टिस अगर हम कहें, तो ये एक प्रोसेस होता है कि किसी चीज़ को बार बार दोहराने से, किसी चीज़ को, किसी एक्टिविटी को या किसी बात को बार बार दोहराने से। आपने अगर मोटिवेशनल स्पीकर्स को कहा सुना होगा तो कहेंगे मैनिफेस्टेशन होता है, आप किसी चीज़ को बार बार दोहराते रहेंगे, दिन में 5-6 बार 10 बार दोहराते रहेंगे तो उसी चीज़ का एक्चुअल वो होने लगता है आपके साथ, ये कहते हुए आपने सुना होगा। इसके पीछे मूल मंत्र वही है कि आप किसी भी चीज़ को दोहराते हुए करेंगे, बार बार करेंगे, उसी चीज़ को करते जाएंगे तो आप उसमें बेहतर बनते जाएंगे। तो इसमें एक नेगेटिव साइड अगर देखें तो अगर आपको आलसी होने को अच्छा लगता है, आलसी माने एक कोने में बैठे रहे, सोफे पे बैठे रहे, दिन भर टीवी देखे, आप रोज़ दिन भर टीवी देखोगे, एक हफ्ते भर के बाद आपको और कोई काम करने का मन नहीं करेगा, आपको वापस बैठ के टीवी देखने का मन करेगा, क्योंकि यू हैव बिकम बेटर, आप उस चीज़ में बेहतर बन चुके हो बैठ के टीवी देखने में। या जिसको रोज़ किसी एक समय पर, निर्धारित समय पर सोने का मन, मतलब सोने का अगर प्लान है तो वो उसी समय सोते जाएगा, या जागने का प्लान है, अगर आप 4-5 दिन सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करेंगे तो 6वें दिन आपकी नींद अपने आप 5 बजे सुबह खुलेगी। ये सारा आपने बहुत सारे वीडियोस में आपने देखे होंगे, बहुत सारे जगह व्हाट्सएप में भी चलता है ये मैसेज आता है कि इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रैक्टिस का मेन अर्थ यही है कि आप उस चीज़ में और बेहतर होते चले जाएंगे, आपको तुरंत उस चीज़ को उसका डिफरेंस नहीं पता चलेगा आपको, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने आज आपका प्लेइंग अगर किसी जगह रिकॉर्ड करके रख लिया, वीडियो पे रख लिया, फ़ोन पे रख लिया, और आप 6 महीने तक रोज़ अगर रियाज करते जाएंगे और 6 महीने के बाद की रिकॉर्डिंग सुनिए और आज की रिकॉर्डिंग उस वक्त सुन के देखिए, बीच में मत सुनिएगा, आपको खुद अंतर का पता चल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करने का मेन कारण यही है कि आप उस चीज़ में आप बेहतर होते चलते हैं। और इसी वजह से मैं ये भी कहूँगा कि आपको साज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना पड़ेगा ताकि आपको साज समझें और साज को आप समझें, और जितना आप समझेंगे उतना ज़्यादा आप उसके अंदर से भाव और फ्रेजेस हो या मेलोडीज हो और ज़्यादा खूबसूरती से आप उसको बजा पाएंगे। दूसरी बात है क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए, तो ये तो हो गया, इससे मुश्किल सवाल है क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। तो क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, मैं उस चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ जो मेरे हाथ में नहीं बैठती हो। मसलन कोई मुर्की हो गई या कोई गमक हुआ या कोई ऐसी फ्रेज है जो मेरे हाथ में नहीं बैठी है, जो मैं बजाता हूँ तो मुझे खुद सुन करके लगता है कि ये वैसा हुबहू नहीं आ रहा है जैसे मैं सुन रहा हूँ इस चीज़ को, या मैंने मेरे कल्पना के अनुसार वो एकदम हुबहू वैसे का वैसा नहीं आ रहा है,
तो मैं फिर उसके अंदर डिटेलिंग में सुनना और सोचना शुरू करूँगा कि इसमें क्या हो रहा है। अब जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैंने कुछ ऐसे साल, मतलब काफ़ी सारे कई सालों से मैं बजा रहा हूँ, तो मुझे अब इस बात का पता है कि मुझ में कमी क्या है और उस कमी को पूरा करने की क्षमता मेरे में है। अब ऐसे लोग हैं जो शुरुआत कर रहे हैं या बिगिनर लेवल हैं, जिनको इस बात का पता अभी इस स्टेज पे शायद ना पता चले, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। जिनको इस बात का पता है, मैं समझता हूँ कि आप बड़े भाग्यशाली हैं और बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको इस बात का ज्ञात हो रहा है आपके अंदर से। सो ये उनके लिए है, मेरे उन भाइयों बहनों के लिए है जो शुरुआत कर रहे हैं या जिनको जिनको इस बात का पता नहीं चल रहा है। अब मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक फ्रेज बजाऊंगा। पूरिया धनाश्री में एक बहुत फेमस बंदिश है पायल या झनकार, और इसके बोल और बंदिश की धुन कुछ इस प्रकार से है। पायलिया झनकार मोरी, पायलिया झनकार मोरी। ये इन इस एक लाइन का हम विश्लेषण करेंगे अभी। पायलिया झनकार मोरी, इसमें प आ सकता है, झ आ सकता है, म आ सकता है और र आ सकता है। मैं कह रहा हूँ व्यंजन की, स्वर और व्यंजन। तो ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात धुन, धुन में प म ग म ध नि ध नि ध प प म ग म ग, ये इसकी सुरावट है। ये दूसरा डिटेलिंग हो गया। पहला मतलब ऊपर ऊपर का डिटेलिंग ये है। ये दो चीज़ें हैं, हमने सरगम, इसकी सरगम निकाली है। प म ग म ध नि ध नि ध प प म ग म ग। अब इस जगह पे मैं एक और बात कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को नोटेशन निकालना नहीं आता। अब उस पर मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, या आप और भी ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे इस बात का एक्सप्लेनेशन है, दिया गया है कि आप किसी मेलोडी को सुन के उसकी सरगम कैसे निकाल पाएंगे। अब फिलहाल मैं इस एग्जांपल के लिए मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको ये सरगम मिला है। प म ग म ध नि ध नि ध प प म ग म ग। अब दूसरी बार मैंने गाया पायलिया झ झनकार, तो नि रि नि ध नि ध प, तो उसके पहला भाग प म ग म ध नि रि नि ध नि ध प प म ग म ग, ये है। अब मैं इसके सुरावट को वैसे का वैसे अगर बजाऊं तो कुछ इस तरह का कुछ इस प्रकार सुनाई देगा। ये आएगा। इसमें हम नेक्स्ट अगले लेवल की डिटेलिंग पे चलते हैं। पायलिया पायलिया, अब इसमें इसको अगर और विस्तार से देखेंगे तो गा गंधार के कुछ आसपास से मैंने शुरू किया है। पा पायले मा पपगा, यहाँ मींड है। पायले वॉल्यूम कंट्रोल है, ली पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। पायली वॉल्यूम कम हो गया। झन, यहाँ पे जोर आया, झ पे जोर आया। झन कार मोरी अरे मोरी, तो वॉल्यूम वापस पंचम पे कार मोरी। ये डिटेलिंग यहाँ तक तो बिल्कुल ही संभव है, और इसके आगे की भी डिटेलिंग संभव है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ तक बजा के कोशिश करता हूँ कि यहाँ तक होता है कि नहीं है। अब ये एक और बात है कि मैंने पंचम का होल मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, जो मेरे गुरुजी पंडित वेंकटेश गोडखिंडी जी की देन है, पर इसके बगैर भी ये फ्रेज बजाया जा सकता है। तो मैं इसके बगैर कोशिश करके देखता हूँ। बड़ा रिस्क है क्योंकि मेरी आदत अभी बन चुकी है इसको इसके इस्तेमाल की, पर देखते हैं क्या होता है। झन दस निरे निध, ये उसकी एक्चुअल सुरावट चल रही है। निरे निध ये हो रहा है,
सरगम मेन इसका जिसको मैं कहता हूँ उद्देश्य स्वर, आपका उद्देश्य ये है कि नी रे नी धा, ये गाने का उद्देश्य है, लेकिन गाते वक्त आप धरी नरे नी धा धरी नरे नी धा यहाँ तक आता है, धरी नरे नी सा धा धरी नरे नी सा धा, इतना उसके अंदर वो क्या कहते हैं उसको, वो घूमता है, इतने ज़्यादा सुरों के उनको लगा के फिर ऐसे वहाँ से घूम के फिर वापस आता है, तो सॉरी थंब होल यूज़ करना ही पड़ेगा। भाई अली सापा मापा का वॉल्यूम कंट्रोल सुनिएगा, आप सोच रहे होंगे कि अभी तक इसने मुद्दा नहीं बताया कि ये प्रैक्टिस क्यों किया जाता है या कैसे किया जाता है। अब मैंने कैसे किया जाता है के ऊपर अब पहुंच रहा हूं इस बात पे कि अब मैं, क्योंकि इस बंदिश को मैंने कुछ बार बजाया हुआ है, मैंने इसका विश्लेषण किया है, मेरे हाथों में मेरी उंगलियों में जितनी जिस हद तक ये बातें कुछ बज सकती हैं वो बातें मैं बजाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर समझ लीजिए कि मैंने कोशिश नहीं करी है, मैंने कैसे इसको शुरू किया था, जन जनकार, अब इसमें वापस वो सारी बातें आती हैं जो आज तक मैंने पिछले वीडियोस में कही है कि सबसे पहले तो आपके उंगलियों की फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, दूसरी बात वॉल्यूम कंट्रोल पे आपको काम किया होना चाहिए अब तक, कि आपने प्रैक्टिस उस चीज़ की भी करी होनी चाहिए, फिर आपके जो अलंकार जो हैं आपके गुरुओं ने जो दिए हैं या आपने और जगह से जो जो अलंकार आपने सीखे हैं, अलंकार फॉर दोस हु डोंट नो, अलंकार कहते हैं सुरों की लड़ियों को, कॉम्बिनेशन को, अब ये अलंकार बन के चलता है, पधा नी धा नी सा नी सा रे, तीन तीन सुरों का अलंकार है ये, उसकी लड़ी बनती है तो उसको एक अलंकार कहते हैं, अलंकृत होता है वो, उसकी एक माला जैसे बन जाती है तो अलंकृत होता है, इसलिए उसको अलंकार कहते हैं, इसका उल्टा। ये हुआ, अब झन झन झन, अब मैं इसको वापस इसको एलैबोरेट करके स्लो करके धीरे धीरे एक 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 सरगम उसके अंदर की और जो छुपी हुई सरगम है उनको मैं ढूंढ निकालूंगा। झन दसन रे ने सदा, और सारा मींड पे चल रहा है, और पहली बार तो वो आएगा नहीं, ये ऐसे आएगा, अब इस पे मैं मींड लेके आऊंगा, ये इसका स्लो मोशन वर्जन हुआ, इसको धीरे धीरे करके फिर मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा। तो मैंने क्या किया है, अभी मैंने पहले फ्रेज को चुना है और उस फ्रेज का विश्लेषण किया है, उसको एलैबोरेट किया है, स्लो किया है, उसके अंदर के छुपे हुए सरगमों को निकाला है, उद्देश्य स्वर तो हमें पता चल गया था, सरगम निकाल के धा नी रे नी धा नी धा पा नी रे नी धा नी रे नी धा नी धा पा, ये गाते वक्त तो ये सरगम और ये उद्देश्य स्वर सुनाई देते हैं, नी रे नी धा, अब इसके पीछे गमक और मींड के कॉम्बिनेशन में हमें मिलता है धा नी रे नी सा धा झन, अब क्या हो रहा है, और एक बात इसमें जुड़ गई व्यंजन की, शब्दों का झ, ये चार सुरों में एक स्ट्रोक आया, न में निषदा, इसमें एक सॉफ्ट स्ट्रोक आया न का, झन झन दस नीरे निषदा, एक दो तीन चार पाँच सात, सात सुर हैं, दस नीरे निषदा ध ध पे जोर की फूंक लगेगी क्योंकि झ का शब्द है, शब्द में झ का अक्षर है, झ न न पे सॉफ्ट हो जाएगा, अब देखिए ये हर बार मेरा एक जैसा नहीं आ रहा है, मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसको ढूंढ रहा हूँ कि मुझे परफेक्शन ले आना है इस चीज़ में, तो मैं इसके पीछे जितने घंटे लग जाएं, जितने दिन लग जाएं, इस एक फ्रेज के पीछे मुझे तपस्या करके पढ़नी पड़ेगी इसके पीछे कि जब तक मेरे जहन में जिस तरीके से बैठा हुआ है वैसे जब तक नहीं आएगा
तब तक मुझे इस चीज़ को बजाना है। अब इसको जितना मैं बजाऊंगा उतना मुझे इस चीज़ का प्रैक्टिस हो जाएगा। अब वापस वही शब्द आ गया रियाज का, प्रैक्टिस का। अब देखिए, अब मेरा एक एक्स्ट्रा सुर लग रहा है, धजा नहीं रे सा नी सा धा, ये सा नी सा नहीं चाहिए, झ न झ न रे नी। ये आ रहा था पहले, अब ये सा नहीं चाहिए मुझे, रे से डायरेक्ट निशाद ले आना है। इसकी पहले प्रैक्टिस कर ली मुझे, रे नी जब एक बार हाथ में आ गया फिर मैं वापस पूरे फ्रेज की तरफ जान दूंगा। अब धरे नी रे नी धा ये कर रहा हूँ, धसा नी रे नी धा भी हो सकता है, झन 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 झ धसा नी रे। अब इसकी मैंने प्रैक्टिस करी है, अब मैं इसके बाद मैं इसको तबले के साथ भी करूँगा या किसी लय मशीन या मेट्रोनोम के साथ मैं कर सकता हूँ। फिर बजाते वक्त मैं पूरे बंदिश का पहला लाइन पहले बजाऊँगा, वॉल्यूम कंट्रोल पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कंट्रोल का खेल ही उस पर भाव के प्रोडक्शन में, भाव के व्यक्त करने के लिए मदद करता है। पायली पायली ये डिटेलिंग है, गाते वक्त पायली पायली हमारा सबसे निचला सुर पंचम का है नीचे का, तो मैं नीचे के पंचम को एकदम कम वॉल्यूम में बजा के उसके ऊपर मींड और ऊपर का पंचम लेते 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 मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा अभी। ये वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो इतना डिटेलिंग हर फ्रेज में हो सकता है और होना भी चाहिए, तब जाकर के आपका जो आप जो कहते हैं कि उसका पूरा इफेक्ट नहीं आ रहा है या उसका पूरा जो असर होना चाहिए वो नहीं आ रहा है, वो डिटेलिंग में वो असर पूरा छुपा हुआ है। तो ये एक दिन या एक यूट्यूब वीडियो देख के नहीं होता, बट ये वीडियो से आपको इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि डिटेलिंग का काम ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकता है और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मैं इसमें पायलिया झनकार भी कह रहा हूँ मेरे ज़ुबान से और होठों से, तो ये सारी बातें मिल करके जब एकजुट होकर के आएंगी एक साथ, तब जाके वो उस बंदिश का भास सुनते वक्त आएगा, नहीं तो ये भी हो सकता है। इसमें भी बंदिश सुनाई दे रहा है लेकिन इसमें वो खूबसूरती नहीं आ रही, ये बहुत ज़्यादा सीधा हो गया, बहुत स्ट्रेट स्ट्रेट हो गया है, सीधे सीधे सुर भाव के बगैर एक प्लेइंग कह सकते हैं इसको। ये बिगिनिंग लेवल पे हो सकता है लेकिन बिगिनिंग लेवल में ही नहीं रहना चाहिए, उसके आगे भी प्रैक्टिस करके बहुत सारी चीज़ों का आप उसमें और इजाफा कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का आप ऐड करके देख सकते हैं कि इसमें मैं ये क्या कर सकता हूँ। और ऐसे ही मतलब ना केवल रियाज के वक्त बल्कि वैसे भी अगर आप सिर्फ सांस को लेके बैठोगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें मिल सकती हैं। अगर आप यू नो बजाते बजाते ये मींड आ गया, धीरे धीरे बजाते वक्त कॉमेडी का साउंड लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपको, लेकिन जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसका असर सही सुनाई देगा। अब पूरी लाइन सुनिए, झनना झनना तो झनना झनना उसकी उसकी जो उसके उसकी गंभीरता है झनना झनना कहने की। आप अगर किसी बड़े गवैये का उनके उनके परफॉर्मेंस का ये बंदिश अगर आप सुनोगे तो उसमें वो झनन झनन पे जो जोर देते हैं वो गायकी में जो आती है वो बात हम बांसुरी में ले आ सकते हैं।
ये सुन करके लगेगा कि बाप रे इसने क्या बजाया अभी, ये तान कैसे बजा लिया। अब वो ही है कि छोटी छोटी चीज़ों में एक 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 फ्रेज करके अगर मैं बजाऊँगा ये मेरा मेन सरगम मैंने बजाया, अब इसमें गायकी तान में जो मैंने छुपे हुए स्वरों की जो बात करी है बंदिश में वो अगर मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करूं तो देखो ये जो गाते वक्त जो जोर लगाते हैं, मैं गा नहीं सकता सॉरी, मैंने कोशिश कर ली, ये जो गाते वक्त जो तान में जो जोर आता है उसके साथ आ आ गा 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 गा, लेकिन रेगा 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 ये चल रहा है आ, पर उद्देश्य स्वर यहाँ पे गंधार है, ऋषभ के होते हुए गंधार को ज्यादा दिखाना चाहिए, रे का वॉल्यूम कम और गंधार का वॉल्यूम ज्यादा। सो वीडियो को समाप्त करते हुए मैं ये वापस इन सारी चीजों का एकजुट करके एक सारांश बताऊंगा इसका आपको। मेरी हिंदी सुधर रही है अभी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी उंगलियों में बैठी क्या नहीं है। इस बात को दिखाने के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप खुद से सीख रहे हैं तो आप प्लीज़ किसी गायक के पास जाइए। अगर आपके आप जहाँ रहते हैं अगर वहाँ पे बांसुरी के गुरु ना हो ना मिले, मैं तो कहूँगा कि बांसुरी के गुरु के खोज में निकल जाइएगा। अगर वो अगर प्रैक्टिकली ना पॉसिबल हो तो आप प्लीज़ किसी गायक के पास गाना सीखने जाइएगा ज़रूर, क्योंकि गाने के ज्ञान से साज बजाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, आपको सुर का सरगम का हर चीज़ का पता होने जल्दी होने लग जाता है। तीसरी बात कि आपके हाथ में आपकी उंगली में कौन सी बात नहीं है, या वो मुर्की हो सकती है या कोई भी मतलब टेक्निकल चीज़ हो सकती है। काफ़ी लोगों में मध्यम धैवत या मध्यम पंचम के जंप में बहुत लोगों को तकलीफ होता है, तो आपको ये देखना है कि म पा ये बंद खुलने के बाद वापस बंद क्यों नहीं हो रहा, उसी जगह पे क्यों नहीं जाके बैठ रहा है। अब उस जगह पे तभी जाके बैठेगा जब आपको उस चीज़ की इतनी आदत पड़ चुकी है पंचम बजाने की। तो आपका बहुत बेसिक एग्जांपल दे सकता हूँ, ये बजाना बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो छोटा छोटा करके आप अपने उंगलियों में काबिलियत पैदा करिएगा, ताकि उसके आगे जाकर के आपको ये ऐसे जैसे ये बंदिश का मैंने उदाहरण दिया था, इस बंदिश जैसी चीज़ों को किसी भी फ्रेज को आप सुन करके उसका विश्लेषण करके उसका सरगम निकाल सकते हैं, उसमें गमक बजा सकते हैं। तो रियाज उसी चीज़ का करें जो आपके हाथ में ना बैठा हो, और जो नहीं बैठा है उस चीज़ को उसकी परख आपको आनी चाहिए कि आपके हाथ में क्या नहीं बैठा है। ये बड़ा मुश्किल चीज़ है, लेकिन गुरु के होने से बहुत आसान पड़ जाता है ये चीज़। फिर भी अगर आप अपने कोशिश के थ्रू आप अगर इस चीज़ को ढूंढ निकाल पाएँ तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से एक हद तक आपको मदद मिली होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा है, गुरु के बगैर नहीं होगा, सिर्फ यूट्यूब देख करके सीखना गलत ना सीखने के बराबर है, उससे भी एक्चुअली ज़्यादा गलत है। बट मैं समझ सकता हूँ कि कई सारे ऐसे हैं हम में से जिनको गुरु प्राप्त नहीं होता, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उम्मीद हार जाएं। आप प्लीज़ गुरु की खोज करिएगा, गुरु अच्छा मिलना चाहिए, और अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तब तक के लिए जैसे मैंने आगे इसके पहले वाले वीडियो में कहा है कि ये सिर्फ रेफरेंस गाइड बुक्स की तरह होनी चाहिए यूट्यूब वीडियोज़। इसमें से आप बेशक बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन आपको पूरा उसका स्वरूप नहीं मिल पाएगा। बट आई होप दैट दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड मोस्ट ऑफ़ यू व्यूअर्स। माफ़ी चाहता हूँ, दो भाग में है तो शायद इसको दो वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। अगर एक में हो जाए तो एडिट करके 15-20 मिनट का तो वो भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। हमेशा की तरह मैं आपसे ये आग्रह नहीं करूँगा कि आप सब्सक्राइब या लाइक करें,
पर आपने किया तो भी अच्छा है, ना करने का मन हो तो भी ठीक है, बट यहाँ आके इस इतना दूर इस इतना लंबा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।